हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। और अभी आप लोग जस्ट आप लोग हिंदी इलेक्टिव का पेपर देकर आए हैं और अभी तक हमारे पास 61, अभी मैंने आप लोगों को बताया था पिछला वीडियो में कि 56 था और अभी तक हमारे पास 61 ऐसे कैंडिडेट के मैसेज आए मेरे भाई, जो अभी तक इस पेपर के माध्यम से 30 क्वेश्चन सही करके आए हैं। और आप लोगों को यकीन नहीं होता है ना, जितना क्वेश्चन आपके पेपर में आया था 30 में से 30 क्वेश्चन में एक एक करके फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्स, सफलता कोर्स, टेस्ट सीरीज या YouTube में सारा चीज मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए मेरे भाई आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि जो अभी आप लोगों का एग्जाम चले, हम जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, काम छोड़कर उस क्लास को अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज्यादा हो सके मेरे भाई उस बंदे तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिनका पेपर जियोग्राफी है 12 फरवरी को, जितना ज्यादा हो सके, ताकि उनको पता चलेगा कि हमारे पेपर में याद रखेगा कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए, हमारे टीम के मेंबर द्वारा, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स के द्वारा आप लोगों के लिए 300 प्लस MCQ तैयार किए गए हैं और लिख के लग रहे, लिख ले मेरे लाल, याद रखेगा इस 30 क्वेश्चन इसी 300 में से आएगा। चैलेंज करता हूँ और इस 300 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन को रट्टा लगाने की आवश्यकता नखे तोनी का जेटा हम बताएबो तोनी कर रहे जी भी तोनी का सारा क्वेश्चन ऐसे भिड़ जी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सर लेक्चर नंबर 1, क्या देख रहे हैं मेरे भाई, लेक्चर नंबर 1। अगर लेक्चर नंबर 1 में 300 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए तो लेक्चर नंबर 2 चलेगी। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हम लोगों का एग्जाम से पहले पहले हम लोगों का मैप का भी क्वेश्चन देखना है, क्योंकि मैप का भी आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा। कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है जो नहीं चाहेंगे सर कि हमारे हाथों से 5 मार्क्स चला जाए, क्या आप चाहते हैं? नहीं चाहेंगे ना, तो 5 मार्क्स आपका हो गया है सर, मैप का 5 मार्क्स हो गया सर। अभी मैंने जस्ट एक वीडियो अपलोड किया हूं, कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक नहीं देखे, सबसे पहले YouTube चैनल को ओपन कीजिए। अभी जस्ट जाके YouTube चैनल को ओपन करने के बाद आपको देखने को मिलेंगे आपका जो खरीफ फसल, रवि फसल, जायद फसल, नकदी फसल, जायद फसल के बाद आप लोगों का जितना भी फसलें हैं, किस मौसम में उगाए जाते हैं, कौन मौसम में बोई जाती है, क्या क्या उदाहरण है, सारा चीज को मैं एक एक करके आप लोगों को बता चुका हूं मेरे भाई। एक बार जाकर यहां पे देखिए, सारा क्वेश्चन मैं यहां पे A to Z बता चुका हूं, जो बार बार आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं, एक बार जाकर यहां पे देख लीजिएगा। आगाज करते हैं सर आज की क्लास को, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने और हमारे सामने आकर हाजिर हो चुका है और पहला क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है। यकीन नहीं होता है, पेपर उठाकर देखिए मेरे भाई। नौ निश्चयवाद, क्या नौ निश्चयवाद के जो प्रवर्तक है हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले आप पेपर उठाकर देखिए 2020 का, 2022 का, 2023 का पेपर उठाकर देखिए, साथ ही साथ ब्लूप्रिंट का पेपर देखिए, प्री बोर्ड का पेपर देखिए। इन सब क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, इन सब के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको अंदाजा लग चुका है फाइनल एग्जाम में आएगी, यस या नो? तो बताएंगे सर टेलर है, कौन है मेरे भाई, टेलर है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, जो संभववाद है मेरे भाई उसका किस विद्वान ने सबसे पहले किया था, ये आपसे पूछे गए हैं। फेवरे ने, क्या फेवरे सर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। स्टेटमेंट को ध्यान से देना है, क्या संभववाद, क्या याद रखेगा संभववाद, तो बताएंगे सर फेवरे ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगाज करते सर, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, याद रखेगा भूगोल का जनक कहा जाता है एरेटोस्थेनिस, क्या मेरे लाल, भूगोल का जनक फादर ऑफ जियोग्राफी, याद रखेगा एरेटोस्थेनिस। पर आपसे यह क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, क्या बताएं, भूगोल का जनक माना जाता है कहां से है, याद रखेगा यूनान, कहां यूनान, याद रखेगा इरेटो यूनान जेबे रे, इरेटो यूनान जेबे हमने घूरे ले जब हमने के एग्जाम खत्म भेजे थे, तब कौन इरेटो स्थेनेज, याद रखेगा यूनान जाएगा घूमने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लेकर एक दो स्टूडेंट्स पूरा कंफ्यूजन रहते हैं, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर मैं बता दूं, भारत का वह महाद्वीप, महादेश भारत नहीं बल्कि विश्व का वह महादेश, महादेश या महाद्वीप का नाम बताएं मेरे भाई जहां पे जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक होती है, वो याद रखेगा जो भी बंदा एशिया बता रहे इसका बिल्कुल गलत होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगी अफ्रीका, क्या अफ्रीका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? अभी हम लोग का क्लास शुरू भी नहीं हुआ है, सोचिए हम लोग का लंबा सफर तक जाना है, थकना नहीं है। याद रखिएगा, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। याद रखिएगा, अभी आगाज होगी मेरे भाई, बहुत क्वेश्चन करवाना है आप लोगों को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर लिंग अनुपात अगर आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, तो सबसे ज्यादा जो होती है वो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, क्या? लेटविया। क्या मेरे भाई? लेटविया। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जाओ मेरे भाई जैक बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट में, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 12 तारीख के पेपर में छप चुका है, जाकर पेपर एक बार जरूर देख लीजिएगा। सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। सर भारत में 1 हेक्टेयर भूमि कृषि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? मान लेते कि ये 1 हेक्टेयर है। सर 1 हेक्टेयर का मतलब कितना होता है? 10,000 वर्ग किलोमीटर। क्या मेरे भाई? 10,000 वर्ग किलोमीटर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछा गया है कि 10,000 वर्ग किलोमीटर में भारत में कितना व्यक्ति आश्रित रहती है? बताएंगे सर 5। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर आगाज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सी है? सबसे कम महादेश, याद रखें सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो बताएंगे सर, याद रखेंगे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा, तो एशिया बताना है। क्या? एशिया। अगर एशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश पूछे भारत, दुनिया का सबसे आबादी वाला देश पूछे भारत, दुनिया का दूसरे नंबर पर अगर आबादी वाला देश पूछे तो चीन, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया निम्न जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगी सर? तो बताएंगे सर ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आती है कौन कौन? सर ऑस्ट्रेलिया और याद रखिएगा, सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। सर 20 का करेक्ट आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सर पढ़ोर आयु वर्ग से तात्पर्य है। पढ़ोर आयु देखिए एक होता है सर 0 से 6, यस या नो? याद रखिएगा आप लोगों का 15 से 59 भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 10 से लेकर 40 भी पढ़ चुके हैं, 20 से लेकर 60 भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पर हम लोग 5 से लेकर सॉरी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या? ए। क्या हो जाएगी? ये हम लोग का सही उत्तर होगा पढ़ोर। पढ़ोर मतलब बूढ़े अवस्था हो जाएगी सर। बूढ़े अवस्था क्या हो जाएगी मेरे भाई? तो बताएंगे सर 15 से 59। क्या हो जाएगी? 15 से 59, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं। सर ये क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? क्या पूछा है? नखे। तो बता देंगे सर 90 से अधिक वर्ष के आयु को हम लोग अंकित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास है? सर उच्च मानव विकास क्या होती है? याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या मेरे भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक का फादर किसे कहते हैं? बता देंगे सर पाकिस्तान। हमारे दुश्मनों देश का नाम बता देंगे कौन? पाकिस्तान। याद रखेगा कौन? पता है डॉक्टर महबूबुल हक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2024 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं भारत का, कौन मेरे भाई? इंडिया, हमारा प्यारा सा देश इंडिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कितना रैंक है? 131वां है मेरे भाई, 131वां। कितना है? 131वां देश है। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव वाला और विकास का है? तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 10 है सर, इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे मेरे भाई रैंक 1 है पूरे वर्ल्ड में, 238 देशों में, याद रखिएगा नॉर्वे रैंक 1 है। सर हमें समझ भी नहीं आ रहा एक बात कि सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होती है, थोड़ा सा समझना चाहते हैं? चलिए मैं बता दूं, समझना है ना। ये पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में ये सर्वे किया जाता है देश के अंतर्गत कि किस देश में कितना शिक्षा का विकास हुआ है, किस देश में न्यूट्रिशन पोषक तत्वों का विकास हुआ है, किस देश में शिक्षा की अवस्था, नौकरियों की, जो अभी हम लोग देखते हैं ना हड़ताल चल रही कहीं भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। तो ये जो है ना, ये कौन सा देश ज्यादा स्टूडेंट्स के हित में कार्य कर रही है, इसी के तहत ये तैयार होती है। और इस तरह से मैं बात बता दूं ना, आप लोग चौंकाने वाला बात सुनेंगे, सुन लीजिए सर। भारत का पूरे विश्व में 131वां राज्य कितना है? 131वां रैंक है। पता है चीन, भूटान, खाली देश का नाम सुनिए, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्वे, श्रीलंका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये छोटे छोटे देश भारत को आज पछाड़ दिया है मेरे भाई। जापान जो नस्त नाबूद कर दिया था अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा करके, वो देश सोचिए आज हमारे भारत से भी क्या है, तो बता सकते हैं वो स्वच्छ है। क्यों? पता है, क्योंकि भारत में सिर्फ और सिर्फ
एक ही धंधा चलता है, क्या पता है? राजनीति। और दूसरे देश में क्या होती है पता है आप लोगों को? मैं जापान वाली कहानी सुनाया था ना, एक लड़की की वजह से स्टेशन नहीं बंद किया था, सिर्फ एक स्टूडेंट थी जिसकी वजह से स्टेशन बंद नहीं किया था। ये था मेरे भाई जापान। इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो पहले रहा था। ठीक है, खैर मुद्दे पे आते हैं। अगर भारत का रैंक पूछे 131वां पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत का रैंक 131वां पूरे दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर पूछे रैंक वन में कौन है? नार्वे। क्या मेरे भाई? नार्वे। चलिए सर अभी क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। सर एक एक क्वेश्चन को बस याद रखिएगा, बेहतरीन तरीके से देखना है। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है सर? हॉर्टिकल्चर का संबंध सर फलों और सब्जियों से, फल और सब्जियों से है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, खेत गेहूं की खेती के लिए मेरे भाई, हाँ मेरे भाई शेरों शेरनियों, ये 5 मार्क्स के तो होने के पेपर में छप दो कि गेहूं की खेती का बारे में विवरण दही। और हम तोहनी के बेहतरीन तरीके से बता चुकल हो, आप कहाँ देखभी तोहनी जाके, तोहनी देखभी प्ले लिस्ट में, जियोग्राफी के फोल्डर तो ओपन कर भी तोहनी का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जी। तो हम आशा कर रही हो अगर तोहनी ईमानदारी पूर्वक देख ले भी अगर से बाहर ना पूछ तो बुझल पा रहे ना तोहनी। तो आपसे पूछा गया कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान आपसे पूछा गया कितना होना चाहिए, तो बताएंगे सर याद रखिएगा 10 डिग्री से 20 डिग्री, 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, ब्राजील में कॉफी के बगान को क्या कहा जाता है? लिख ले मेरे शेर शेरनियों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है, जाके देखिए जैक बोर्ड, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है। फेजेंटा। क्या? फेजेंटा। जितना स्टूडेंट्स हमें अभी देख रहे हैं मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट्स का जियोग्राफी का पेपर है, टारगेट बनाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो फिर सोचेगा कि हमारी मेहनत आप लोगों की रंग ला रही है या नहीं, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, जितना बता रहा हूं ऑनेस्टी पूर्वक पढ़ दे सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन खाद्य फसल है? इसमें आपको बताना है खाद्य फसल। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है खाद्य फसल किसे कहते हैं? जिस खाना जिसको हम लोग खाते हैं और पेट भर जाता है मेरे भाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ। क्या? खाद्य पदार्थ। गेहूं, जो बजरा, चावल बोल सकते हैं सर, गेहूं। क्या जगह? गेहूं। याद रखिएगा मेरे भाई, पढ़ाई मजाक से करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। निम्न प्रदेशों में किसे विस्तृत वन्यजीव अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा अमेजन बेसिन। क्या हो जाएगी? अमेजन बेसिन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर। निम्न में से कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेश समूह द्वारा किया गया था? जो क्वेश्चन नंबर 17 है बताएंगे सर, रोपण कृषि। सर थोड़ा सा रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे भारत, चाय, कॉफी सर, ब्राजील। अगर आपसे पूछा जाएगा अगला कौन है? रबड़। अगला पॉइंट कौन है सर? कहुआ। कहो हुआ, याद रखिएगा जो भी चीज में पानी लिक्विड होती है उसे हम लोग कहेंगे रोपण फसल। क्या? रोपण फसल। गन्ना। क्या मेरे भाई? गन्ना पानी की तरह बह जाता है। चाय पानी की तरह बह जाता है। कपास पानी की तरह बह जाता है। रबड़ पानी की तरह बह जाता है। कहुआ पानी की तरह बह जाता है। जो भी चीज पानी की तरह बह जाए उसको हम लोग रखते हैं सर रोपण कृषि। डन कर दीजिए मेरे भाई, बहुत मेहनत लगता है, एक बार डन कर दीजिए, समझ में आ रहा। तो बागवती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित हुई है बताएंगे सर, याद रखिएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। कहाँ मेरे भाई? दक्षिण पूर्व एशिया में। सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? आपको बताएंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ कोल, देयर आर 4 टाइप ऑफ कोल, दैट इज कॉल्ड ऑफ हायर डेंसिटी कोल्ड। और बताएंगे सर सबसे ज्यादा जो होती है ना वो एंथ्रोसाइट होती है। क्या मेरे भाई? एंथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 20, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है? देखिए आपसे पूछा गया मेरे भाई रेशेदार फसल के अंतर्गत कौन आती है? तो बताएंगे सर कपास। क्या हो जाएगी? कपास। क्या? कपास। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व तृतीय क्रियाकलाप? मेरे भाई थोड़ा सा आप पेशेंस बनाइए, मैंने बता चुका हूं प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, पशुचारण, खनन कहां पे आता है? प्रथम में। द्वितीय में सर विनिर्माण। तीसरा में सर बैंकिंग। तीसरा में पूछा गया तृतीय क्रियाकलाप कौन है? तो मछली पकड़ना। याद रखिए मेरे भाई ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यापार करना क्या हो जाएगी? ये तीसरे का अंतर्गत आती है, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पहला पहला, समझ में आ रहा है ना?
चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमसे पूछा गया शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, जो शिक्षा कानून और क्रियाकलाप है याद रखिएगा चतुर्थ क्रियाकलाप है। क्या मेरे भाई? चतुर्थ क्रियाकलाप है। 25 पे आते हैं, याद रखिएगा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। मैंने अभी जस्ट बताया मेरे भाई, तृतीय क्रियाकलाप जो होती है ना वो होते व्यापार परिवहन संचार सेवा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मजा लग रहा है ना मेरे भाई। चलिए पढ़ाई को कभी भी याद रखिएगा जिम्मेदारी बनाकर नहीं। दुनिया में कोई अगर आसान काम है वो बैठकर पढ़ना, बाकी आप दुनिया में कोई आसान काम नहीं है। अगर आपको पढ़ने में लग रहा है कि कष्ट हो रही है तो 8 घंटा अभी पढ़ नहीं पा रहे मेरे भाई, एक बार आप लोगों के ही दिन समय होगी, 8 घंटा जब काम करके घर लौटेंगे ना तो आप कहेंगे वही कुर्सी वही टेबल वही बुक मेरा ठीक था। ठीक है, समझिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का याद रखिएगा आविष्कार कौन है, तो WWW का आविष्कार हो जाएगी सर टिम बर्नली। क्या हो जाएगी? टिम बर्नली। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी सी। अगला क्वेश्चन बिग इंच पाइप, हाँ मेरे भाई लिख ले भाई, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा। बिग इंच पाइप पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, क्या जगह? पेट्रोलियम के लिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन मेरे भाई जब अपना आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, याद रखिएगा जीरो बैलेंस में, क्या जीरो बैलेंस में हम लोग का वर्क हो रहा है पूरे टीम का। सोचिए किस लिए पता है? क्योंकि हमारा मकसद है झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। क्या आप लोग तैयार है? आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर हमारे झारखंड के एजुकेशन सिस्टम बदलेंगे। और जो बच्चे पैसा का कारण नहीं पढ़ रहे हैं ना, जो बच्चे पैसा का कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं मेरे भाई, उनको इन्वाइट कीजिए मिसाल क्लासेस के परिवार में। 20 से 25 रुपए के पर मंथ में 2 टाइम ट्यूशन पढ़ाएगा आपका, 2 टाइम ऑनलाइन क्लास देगी। 1 अप्रैल से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, जहां पे तबड़तोड़ होगी इस बार, याद रखिएगा 2025 के लिए। तो जो भी घर में आपके छोटे भाई बहन वगैरह कोई भी होंगे उनको इन्वाइट कर दीजिए मिसाल क्लासेस के फैमिली में। विश्व का व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सी है? विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग होती है उत्तरी अटलांटिक। क्या हो जाएगी? उत्तरी अटलांटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है सर, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर होगा विस्तृत पतन। क्या हो जाएगी? विस्तृत पतन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होती है? गेहूं मक्का कहुआ आपसे सामने दिया हुआ है, तो बताएंगे सर याद रखिए कहुआ का। क्या हो जाएगा? कहुआ का। ऑप्शन नंबर, अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होती है, तो बताएंगे सर वो हो जाएगा कहाँ? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे सर? बंगाल, याद रखना है मेरे भाई ममता दीदी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? जो माराकाइबो पतन है वो किस देश में स्थित है? तो बताएंगे वेनेजुएला में। कहाँ पे है मेरे भाई? वेनेजुएला में। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? अगला क्वेश्चन है कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति विकसित होती है? जो कलाहारी याद रखिएगा जनजाति है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोई अगर जनजाति पाई जाती है वह बूसमैन। क्या है मेरे भाई? बूसमैन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। थकना नहीं है, याद रखें थकना नहीं, अभी क्लास बहुत लॉन्ग तक चलेगी मेरे भाई। बाबूदान पहाड़ी है, जो बाबूदान पहाड़ी है वो कहाँ पे है आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, तो बताएंगे कर्नाटक में। कहाँ पे मेरे भाई? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन है 36 में निम्नलिखित में से कौन सा पठार नगर है? तो याद रखिएगा नागपुर क्या है? पठारी नगर है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्नलिखित राज्यों में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात न्यूनतम है, कौन सा राज्य में? तो हरियाणा में, याद रखिएगा। क्या हो जाएगी? हरियाणा में। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, याद रखिएगा लिंगानुपात किसे कहते हैं सर? 1000 मर्द, 1000 याद रखिएगा मेरे भाई, 1000 मेल के पीछे कितना फीमेल है। तो जब 2011 की जनगणना हो रही थी उस समय मोदी कहते थे मेरे 125 करोड़ देशवासियों, कहते थे ना मेरे भाई 125 करोड़ देशवासियों कहते थे ना, ठीक इसी तरह से यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। 2011 के जनगणना अनुसार भारत का लिंग अनुपात जो है याद रखिएगा 1000 मर्द के पीछे 943 गो फीमेल थी, याद रखिएगा 1000 मर्द के पीछे 943 गो फीमेल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। मैं जो जो बोल रहा हूँ इस पर सुन लीजिए आप लोग, बस जो जो बोल रहा हूँ इस पर सुन लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए, दो में से काम कीजिए, या तो सुनना या तो नोट डाउन करना। चलिए जो मैं बोल रहा हूँ रिपीट नहीं करूँगा। पहला, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिए कनाडा। क्या?
रूस, कनाडा नहीं रूस, याद रखिएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बताएंगे क्या, याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश विश्व में भारत, सबसे छोटा वेटिकन सिटी। अब आते हैं सर भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य यूपी, सबसे कम आबादी वाला राज्य याद रखिएगा सिक्किम। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, 5-6 क्वेश्चन करवाया हूं, सारा क्वेश्चन को कंठस्थ कर लेना है। आते हैं सर अगला, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर का ह्रास हुआ था, तो बताएंगे सर कौन सा जनसंख्या वृद्धि में ह्रास हुई थी, तो बताएंगे सर 1911 से लेकर 1921 के बीच में, क्या 1911 से लेकर 1921 के बीच में, ऑप्शन नंबर क्या जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है, तो इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से बताएं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 42 के इसका आंसर होगा रहन सहन और की निम्न दशाएं, क्या जाएगी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है, तो बताएंगे सर भारत में सबसे ज्यादा अगर पढ़ा लिखा कोई राज्य है तो वह है केरल, और सबसे कम पढ़ा लिखा अगर कोई राज्य है याद रखेगा, जो बहुत ही याद रखेगा मेरे भाई, बहुत ही पढ़ा लिखा राज्य है, लेकिन जनसंख्या जब हुआ था ना 2011 में तो सबसे कम इन्हीं को बताया गया था, प्रेजेंट टाइम में आइए तो बिहार सबको पछोड़ के रख देगा। 43 में आते सर इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या, लक्षद्वीप, क्या हो जाएगी मेरे भाई, लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर तट पर अवस्थित नहीं है, कौन सा नगर है जो तट पर अवस्थित नहीं है, तो बताएंगे सर भोपाल, पटना गंगा नदी पे, आगरा यमुना नदी, कोलकाता हुगली नदी, ये बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर क्या जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैं क्या क्या बोला समझ में आया, पटना गंगा नदी, आगरा यमुना नदी और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो भारत में प्रेजेंट टाइम अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा मेरे भाई 7, कितना है 7, इसको भी आप लोगों को देख लेना। भारत में राज्य की संख्या 28। भिलाई किस वर्ग का नगर है, तो भिलाई एक प्रकार का औद्योगिक नगर है याद रखिएगा, क्या जगह, भिलाई एक प्रकार का औद्योगिक नगर है। क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण जूट का उत्पादक क्षेत्र है, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहां पे होता है, तो बताएंगे सर गंगा के डेल्टा में, कहां, गंगा के डेल्टा में। अभी हिंदी का एग्जाम हुआ है ना, हिंदी का आप लोगों का 30 में से 30 स्टूडेंट्स ने सॉल्व करके आया है, पता है ये सब जब स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं ना तो अंदर से एक अजीब सा खुशी का फील होती है, जो खुशी का आंसू बोलते हैं ना मेरे भाई, वो फील होता है कि मैंने पूरा 365 दिन इतना रगड़ के पढ़ाया हूँ लिखाया हूँ और आज आप 30 में से 30 करके आए तो कितना खुशी फील होगी। तो ये दिन हम देखना चाहते हैं मेरे भाई, ये दिन हमें देखना है। बस एक बात सोचिएगा हमेशा कि एक व्यक्ति जब खड़ा होकर हम लोगों को पढ़ा सकता है तो हम बैठकर पढ़ क्यों नहीं सकते हैं, बस इतना ठान लीजिएगा अपने मन पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 48। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की समस्या है, भारतीय कृषि की समस्या क्या है, निम्न उत्पादकता, विखंडता, अनियमितता, मानसून, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, जो क्वेश्चन नंबर नीलगिरी पहाड़ी है वो कहाँ पर अवस्थित है, तमिलनाडु में, कहाँ पे मेरे भाई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य में कौन सा उत्पादन होती है, देखिए मेरे भाई जो क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित राज्य में कौन सा कपास का उत्पादक नहीं होती है, तो छत्तीसगढ़ में कपास का उत्पादन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का अगर विश्व में जनक पूछा जाए, लिख लीजिए मेरे भाई, लिख लीजिए, विश्व में पूछा जाए डॉक्टर बोरलॉग, कौन, डॉक्टर बोरलॉग, लेकिन अगर आपसे भारत का पूछा जाए एम एस स्वामीनाथन, विश्व में जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, लिखने का समय नहीं है, विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर कहा जाएगा डॉक्टर बोरलॉग, अगर आपसे कहा जाएगा भारत में एम एस स्वामीनाथन, आपसे पूछा गया हरित क्रांति का संबंधित है, जो हरित क्रांति है इसका संबंधित है बताएंगे सर किससे, तो खाद्य उत्पादनों से, क्या आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है सर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना जो होती है वो स्थित है सर नर्मदा नदी में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ बना है याद रखिएगा सिंधु, क्या हो जाएगा मेरे भाई, हीराकुंड बांध याद रखिएगा सिंधु नहीं बल्कि महानदी पर बना है, क्या मेरे भाई, महानदी सर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है, आपको बताना है कि कौन सबसे इसमें से छोटे हैं, 54 का बताना है, तो महाबेसिन, क्या हो जाएगी महाबेसिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण
जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है सर? गंगा के डेल्टा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अभी थकना नहीं है मेरे भाई, 300 करना है, थकना नहीं है। रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी ईटानगर पे है। आते हैं सर 57 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का आपसे पूछा गया है गैर पारंपरिक स्रोत, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। क्या मेरे भाई? सौर ऊर्जा। जो चीज समाप्त हो जाती है उसको हम लोग परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होती है गैर परंपरागत। याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर मौसमी श्रेणी का संबंध निम्नलिखित में से किसे है? तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 58 है, इसका राइट आंसर होगा लो आयस का। क्या हो जाएगी? लो आयस का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जो सिंगरौली है ना, सिंगरौली याद रखिएगा, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्या है मेरे भाई? सिंगरौली एक तरह का कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र अवस्थित है कहां पे है सर? बताएंगे सर तारापुर हम लोग का बिल्कुल गलत आंसर बता रहे बाबू ने, आप गलत आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर बिल्कुल जो सही होगा वो बताइए। हाँ आप सही बताए आप लोग, महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र इसका बिल्कुल क्षेत्र होगा। उत्तर बताते रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि सोलापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो सोलापुर है वो एक्चुअली सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। बस मेरे भाई आप लोगों का छोटा सा डिमांड है मेरे लिए कि आप लोग झारखंड को बदलिए। झारखंड को हम लोग एक ऐसी दिशा पर ले जाना है मेरे भाई, जहाँ पे हम लोग 10-20-500 रुपये में हम लोग को कोई खरीद जो लेते हैं ना, वो हम लोगों को बेचना नहीं, अपनी जिंदगी को दाव पे नहीं लगाना। जब चुनाव आते हैं ना तो 500 रुपये कोई देता है ना तो उसी को हम लोग वोट डालते हैं। नहीं, एक शिक्षित व्यक्ति होकर एक शिक्षित नेता की चयन कीजिएगा, देश कितना खुशहाल रहेगी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बोकारो इस्पात केंद्र है, जो बोकारो है वह इस्पात केंद्र किस प्रकार का है? तो बताएंगे सर बोकारो इस्पात केंद्र जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। क्या होगी मेरे भाई? सार्वजनिक क्षेत्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुए थे? ऐसे तो विश्व में इंटरनेट का देन जो है ना वो किसका है मेरे भाई? तो अमेरिका का है। क्या? अमेरिका का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में कब हुई थी, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि भारत में कब हुआ था सर, तो बताएंगे सर कूद के। क्या कूद के? बताएंगे 1998 में। और ये क्वेश्चन आप लोग हिंदी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे लेकिन नहीं पूछा गया था। भारत में चार महानगरों को जोड़ने वाला सड़क को हम लोग स्वर्णमुखी चतुर्मुख मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर उत्तर दक्षिण गलियारा को जोड़ता है, जो उत्तर दक्षिण गलियारा है उसको कौन जोड़ते हैं? तो उसको जोड़ने वाले हैं सर श्रीनगर से कन्याकुमारी। क्या मेरे भाई? श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है सर डेसिबल में, किसमें बताया जाता है? डेसिबल में सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर 17 क्वेश्चन, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जब भी हम लोग फैक्ट्री उत्पन्न करते हैं, जब हम लोग फैक्ट्री बसाते हैं उस समय कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होती है? जल प्रदूषण होती है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, सारा प्रदूषण होता है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लास को स्टॉप करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पेन हो रही है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, ठीक है मेरे भाई? थोड़ा सा पेन हो रही है, मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। एक बार आप लोग थोड़ा सा मैं बता दूं, एक बार थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए एक बात। यहाँ पे जो मैं आप लोगों के लिए #1 लगाया हूँ मेरे भाई, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ जो मैं आप लोगों के लिए #1 लगाया हूँ ना, इसको थोड़ा सा आप लोग नजरअंदाज नहीं करना, इसको ध्यान से देखिए। जो 1 लगाया ना 1, ये आप लोगों को आप 2 में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेन हो रही है, थोड़ा रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का वेट कीजिए, कितना ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं सर 2 भी होना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से बताएं। लेकिन एग्जाम से पहले पहले इन 300 क्वेश्चन को कर लेना है, 30 में से एक क्वेश्चन कह देना जैक से, जाके जैक से कह देना कि है दम तुझ पे, तो इससे बाहर पूछ के दिखाना। तो वेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा सा 2 के लिए, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।